हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर नसीर। वेलकम है आज की इस वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट क्लास में। इसमें हम सीखेंगे कैसे आप एक एआई की वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी फ्री थीम और प्लगइन्स को यूज करके। आप वेबसाइट का डेमो देख रहे हैं, हम इस तरह की प्रोफेशनल ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाएंगे। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर गाइज आपने फ्री में डोमेन और होस्टिंग हासिल करनी है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। तो गाइज यहाँ पर आकर सबसे पहले आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आकर आपने इसके परमा लिंक्स पर क्लिक करना है। आपने पोस्ट नेम पर क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। इसके बाद अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में आकर थीम्स पर क्लिक करना है, ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना है। तो गाइस आपने ये वाला जो थीम है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। थीम इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। गाइज हमारा जो थीम है वो इंस्टॉल एक्टिवेट हो गया है। गाइज ये वाले जो प्लगइन्स हैं आपने इनको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। तो जल्दी से मैं इनको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ। प्लगइन्स पर आना और इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करना है। तो गाइस ये वाले जो प्लगइन्स हैं आपने इनको डिलीट कर देना है। ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करना है। गाइज हमारे जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं, तो चलते हैं हम इनको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपने इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करना है। आपने इन सब को एक साथ ही सिलेक्ट कर लेना है और एक्टिवेट पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। गाइज हमारे जो प्लगइन्स है वो एक्टिवेट हो गए हैं। चलते हैं इसके डैशबोर्ड पर। गाइज ये वाले जो नोटिफिकेशन है आपने इन सब को डिसमिस कर देना है। गाइज इसके बाद आपने अपीयरेंस में आना। अपीयरेंस में आकर डेमो इंपोर्ट पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आकर आपने ये वाला जो डेमो है आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट पर क्लिक करना है। यस इंपोर्ट डेमो पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डेमो इंपोर्ट होने में,
तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। गाइज, हमारा जो डेमो है वो इंपोर्ट हो गया, तो आपने विजिट माय साइट पे क्लिक करना है। गाइज, हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल ही तैयार है, तो आपने अपना कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट ऐड करने के लिए आपने एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है या इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। गाइस देखो, हमारा जो होम पेज है वो एलिमेंटर में एडिट हो गया है, तो आपने अपना ये वाला जो टाइटल है इसको चेंज करना है, तो आपने एडिट पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ से आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, तो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन पर आकर आप अपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना यहाँ से आप इसके अलावा आपने अपनी इमेज चेंज करनी है, तो आपने एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी इमेज ऐड कर देनी है। अगर आपने ये बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है, तो आपने इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ से भी आप अपनी इमेज चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी फुल पेज का जो भी कंटेंट आप रखना चाहो वो आप अपना कंटेंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना लोगो चेंज करना है, अपना नंबर, ईमेल या एड्रेस, तो इसके लिए आपने वापस डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर आकर आपने अपेयरेंस में आना है। अपेयरेंस में आकर कस्टमाइज पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर आकर आपने साइट आइडेंटिटी पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना नंबर चेंज करना चाहो तो इसके लिए आपने हेडर पर क्लिक करना है, स्टाइल में आना है। स्टाइल में आकर आपने नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ से आप अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ईमेल भी चेंज कर सकते हैं और अपना एड्रेस भी। इसके अलावा ये वाला जो बटन है इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने जो भी अपना कॉन्टैक्ट रखना चाहो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ये वाला जो सोशल मीडिया का आइकन है इसमें अपना लिंक ऐड करना है, तो आपने वापस इसके कस्टमाइज पर जाना है, तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, तो सोशल मीडिया पर क्लिक करना है, एलिमेंट्स पर जाना है। एलिमेंट्स पर आकर आप अपना तो गाइस यहाँ पर आकर आपने अपना फेसबुक का जो लिंक होगा आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके अलावा अगर आपने अपना फुटर में अपना कंटेंट ऐड करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपने वापस डैशबोर्ड पर जाना है, इसको पब्लिश कर देना है। तो गाइस फुटर का कंटेंट ऐड करने के लिए आपने वापस डैशबोर्ड पर जाना है। तो गाइस आपने अपेयरेंस में आना है। अपेयरेंस में आकर विजिट पर क्लिक करना है। तो गाइज आपने यहाँ पर आकर नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपने ये देख रहे हैं फुटर साइड बार वन, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आप अपने डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फुटर टू में जो भी आप अपना कंटेंट रखना चाहो आप ये देखो चेंज कर सकते हैं, इसका टाइटल भी और इसका जो भी नीचे आप लिंक देना चाहो आप दे सकते हैं। इसके अलावा फुटर थ्री में भी आप अपना जो एड्रेस, फोन नंबर या जो भी आप अपना कंटेंट रखना चाहो आप रख सकते हैं। फुटर फोर में भी आप अपना पोर्टफोलियो दे सकते हैं। यहाँ पर चेंजिंग करने के बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। तो गाइज आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कंटेंट आपने दिया होगा वो शो हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।